हेलो स्टूडेंट्स सो इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू इंग्लिश एन इंग्लिश पेपर ऑफ़ क्लास थर्ड आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंग्लिश पेपर दिखाने वाली हूँ थर्ड का पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर है के, केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपका इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आपका पीरियोडिक फर्स्ट का पेपर आता है कैसे क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं और इसके बाद मैं आपका एक रिविजन वीडियो भी बनाने वाली हूँ पीरियोडिक फर्स्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सभी टॉपिक्स हम उसमें कवर करेंगे और वो आपके क्विज टाइप में होगा एक कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं सो लेट्स बिगिन नाउ शुरू करते हैं सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन होगा आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थर्ड क्लास में एक्चुअली सीन पैसेज आता है पीरियोडिक फर्स्ट में ऐसा पैसेज आएगा जो आपने पहले अपनी बुक में पढ़ा हुआ होगा तो देखिए पैसेज क्या है आपका द मैजिक गार्डन वॉज इन द स्कूल प्ले ग्राउंड मैजिक गार्डन स्कूल प्ले ग्राउंड में है था सनफ्लावर्स एंड रोजेज टूड हाई अगेंस्ट द वॉल सनफ्लावर और रोजेज जो थे सूरजमुखी और रोज के जो फ्लावर्स थे देवर हाई अप अगेंस्ट द वॉल बॉल के अगेंस्ट हाई खड़े हुए थे वो देयर वॉज ऑल्सो मैरीगोल्ड्स पॉपीज एंड पैंसिस वहाँ पर मैरीगोल्ड्स पॉपीज और पैंसीज भी थे द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर जितनी धूप इस गार्डन पर पड़ती है उतनी कहीं पर नहीं पड़ती एंड द फ्लावर्स डांसड एंड संग हैप्पीली और जो फ्लावर्स है फूल जो है वो खुशी से डांस करते हैं और गाना गाते हैं दे सेड टू वन अनदर वो एक दूसरे से कहते हैं वी हैव हंड्रेड ऑफ लिटिल गार्डनर्स हमारे पास कई सौ छोटे छोटे गार्डनर्स हैं दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल और वो स्कूल के बच्चे हैं ओके okay, ये आपका पैसेज होगा आपको पहले रीड करना है फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं फर्स्ट इज वेयर वॉज द मैजिक गार्डन मैजिक गार्डन कहाँ पे था तो आपको लिखा लिखा हुआ है फर्स्ट उसमें द मैजिक गार्डन वॉज इन स्कूल प्ले ग्राउंड तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का मैजिक गार्डन स्कूल के प्ले ग्राउंड में था नेक्स्ट इज नेम द फ्लॉर ग्रोइंग इन द गार्डन फ्लार जो गार्डन था उसमें कौन कौन से फ्लार उग रहे थे तो इसका आंसर होगा आपका मैरीगोल्ड्स पॉपीज पैंसिस सनफ्लावर एंड रोजेस इन पांच के पांच फ्लावर्स के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं एग्जाम में ओके okay? नेक्स्ट इज नेम द लेसन अब ये जो टॉपिक है आपका ये जो लाइंस है आपकी ये आपके किस लेसन से ली गई है आई थिंक द मैजिक गार्डन आपकी इंग्लिश में सेकेंड या थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर से ये लाइंस ली गई है तो यू हैव टू राइट द चैप्टर नेम द मैजिक गार्डन ओके नेक्स्ट इज हु द लिटिल गार्डनर लिटिल गार्डनर जो थे मैजिक गार्डन में वो कौन थे तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर दैट द लिटिल गार्डनर्स चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल लिटिल गार्डनर जो थे वो स्कूल के बच्चे थे तो यहाँ पर आप लिख देंगे द लिटिल द गार्डनर्स वो चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल नेक्स्ट इज वी लिटिल गार्डनर्स हमारे पास इतने लिटिल गार्डनर्स हैं ये फ्लावर्स ने कहा था तो यहाँ पर आपका आएगा हंड्रेड हमारे पास कई सौ लिटिल गार्डनर्स हैं सो यू विल राइड हंड्रेड इन दिस ब्लैंक ओके ऐसे क्वेश्चन आपके इस बार पीरियोडिक में आने वाले हैं फ़र्क सिर्फ इतना होगा इस बार आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे कौन सा सही है आपको उस पर टिक लगाना है लिखना नहीं है ओके और वो भी मैं इसके बाद कराऊंगी आपको अभी इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको चार ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराए जाएंगे नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट वर द थ्री थिंग्स दैट पीपल कैन नॉट डू आपका जे एन रॉबिन वाले इसमें है तीन चीज़ें जो ह्यूमन बींग लोग नहीं कर सकते वो आपको लिखनी है आपकी बुक का क्वेश्चन है आपको पता होगा क्या आंसर है जो आपकी टीचर ने लिखवा है वो आप लिख देंगे यहाँ पर नेक्स्ट इज वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस नीना के घर में इतना ग्रेट जॉय इतनी खुशी का माहौल क्यों था इसका आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या रीज़न था उनके घर में ग्रेट जॉय का नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड द ओल्ड मैन प्लांट ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया उसने एक सीड उगाया था वो किस चीज़ का सीड था ये आपको आपकी जो स्टोरी है द द नॉर्मस टर्निप उसमें दिया हुआ है तो ये आप इसका आंसर उस क्वेश्चन उसके जैसे जो भी आपकी टीचर ने आंसर लिखा है वहां से लिख देंगे ओके तो तीन क्वेश्चन आपके आएंगे आपकी बुक में से और बाकी क्वेश्चन आपके आएंगे ग्रामर में से देखिए फिलिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मैं आपको करा चुकी हूँ एडजेक्टिव होते हैं हमारे शी इज अ डैश वुमेन वो एक ऐसी वुमेन अब वुमेन कैसी हो सकती है शी इज एन इंटेलिजेंट वुमेन वो एक इंटेलिजेंट वुमेन भी हो सकती है शी इज़ अ वर्किंग वुमेन वो एक वर्किंग वुमेन के बारे में आपको बताना है कि वो कैसे वुमेन है शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमेन ब्यूटिफुल भी हो सकती है ओके सो ये आप लिखेंगे वुमेन के लिए जो भी आपको एब्जेक्टिव आए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नेक्स्ट इज राइम राइट द रमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड आपको लिखना है बीस का तो बीस का क्या हो सकता है बीज बहुत सारे राइमिंग आप जानते हैं जैसे कि इन पिन टिन सिन ये आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं तो बीस का एक राइमिंग वर्ड लिखना है आपको बीस का राइमिंग वर्ड हो सकता है फ्रीज फ्रीज लिख दीजिए एफ आर डबल इजी फ्रीज नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल ऑफ टोमेटो का प्लूरल लिखना है आपको सिंगुलर प्लूरल की वीडियो भी मैं आपको करा चुकी हूं इंग्लिश ग्रामर में तो जब भी कोई वर्ड ओ से एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगा देते हैं पीछे तो आप लिखेंगे टोमेटोज अगर आपने ऐसे लिखा टोमेटोज क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है पीछे एस लगाने से प्लूरल हो जाता है तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा टोमेटोज आपको टी ओ एम ए टी ओ एस ऐड करना है इसमें अगर आपको सिंगुलर प्लूरल क्लियर नहीं है तो आप जो वीडियो है हमारी ग्रामर की उससे देख सकते हैं नेक्स्ट इज मेक सेंटेंस विद आपको एक सेंटेंस बनाना है नेस्ट को लेके। तो नेस्ट का क्या सेंटेंस हो सकता है द बर्ड्स बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव इन बर्ड्स नेस्ट बनाती है उसमें रहने के लिए नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट ऑफ डाउनवर्ड ये उससे लिया गया आपका Uh, जो आपका एक मौसी बेड वाला द अउंट ट्री वाला जो चैप्टर है वहां पर आपको ऑपोजिट वर्ड्स एंड सिनोनिम्स कराए हुए एंटोनिम्स कराए हुए हैं और ये मैंने आपको क्विज में भी दिए थे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके मोस्टली क्विज में हम लोग पूछ चुके हैं डाउनवर्ड का ऑपोजिट क्या होगा अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल ऑड वन ऑड वन आउट भी हम कर चुके हैं आपके क्वेश्चन वैसे भी सब्जेक्ट क्विजेज में भी एंड जो आपकी वैसे क्विज होती है जो जीके की या फिर आपके जो रीजनिंग की क्विज होती है उसमें हमने बहुत किया ऑड वन आउट जो बाकियों से डिफरेंट है तो यहाँ पर है पीकॉक कॉक पैरट लिजर्ड क्रो बाकी सारी आपकी बर्ड्स हैं एक्सेप्ट लिजर्ड लिजर्ड को छोड़ के तो लिजर्ड ऑड वन आउट है आपको इसको सर्कल कर देना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक द चिल्ड्र चाइल्ड इन द पोय वॉन्ट्स टू स्लीप और प्ले बच्चा जो था पोएम में वो क्या करना चाहता था सोना चाहता था या फिर खेलना चाहता था तो आई थिंक द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्स टू प्ले बच्चा है तो खेलना ही चाहेगा सो यू विल राइट प्ले प्ले को आप सर्कल कर देंगे नेक्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स लिखिए बर्ड थिंक दैट पीपल आर फनी बर्ड्स को लगता था कि लोग जो है वो बहुत फ़नी है सो दिस इज़ ट्रू जो हमारी पोएम में जे एंड रॉबिन थे दो बर्ड्स जो थे उनको लगता था कि पीपल आर वेरी फनी लोग बहुत फ़नी है नेक्स्ट राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो ग्रो का पास टेंस हो जाएगा आपका ग्रू नेक्स्ट इज यूज़ आर और इज आर आपको पता होना चाहिए हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होता है या फिर यू के साथ यूज़ होता है यू आर या फिर दे आर या फिर सीता एंड गीता आर जब एक से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर आपका आर यूज़ होगा इज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है आपका और एम आई के साथ द बर्ड्स डैश सिंगिंग अब देखिए बर्ड्स बहुत सारी चिड़िया हैं जो गा रही है तो यहां पर आ रहा है द बर्ड्स आर सिंगिंग ओके तो ये आपकी ग्रामर पोर्शन हो गया अब नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग आपका हमेशा एग्जाम में आता है ये जनरल पेपर है आपका के का लेकिन इस बार क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है कोविड 19 की वजह से तो आपको क्रिएटिव राइटिंग नहीं आएगी एग्जाम में बट फिर भी आप देख लीजिए लुक एट द पिक्चर एंड राइट फाइव सेंटेंसेज ऑन इट आपको पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके आप ऊपर आपको फाइव सेंटेंसेस लिखने होते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं आई कैन सी ग्रीन ट्रीज हेयर मुझे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं देन uh, uh, आप लिख सकते हैं द देर इज़ अ पार्क इन द पिक्चर पार्क है पिक्चर में अ बॉय इज साइकिलिंग एक बॉय जो है वो साइकिलिंग कर रहा है और डॉग uh, के बारे में लिख सकते हैं कुछ द डॉग इज़ बाकिंग एंड समथिंग तो इस तरीके से फाइव सेंटेंसेज आप किसी भी पिक्चर के बारे में लिख सकते हैं कोई भी पिक्चर आपको दी जा सकती है एग्जाम में ओके okay. नेक्स्ट इज राइट फाइव सेंटेंसेस ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स आपको बर्ड्स के बारे में फाइव सेंटेंसेस लिखना है इन वर्ड्स को यूज़ करके आई थिंक ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट जो आपका पेपर मैंने दिखाया था उसमें भी यही टॉपिक था सेम तो यानी कि बर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेज आप जरूर देख ले बर्ड्स एंड ट्रीज़ ये जनरली एग्जाम में आपके क्रिएटिव राइटिंग में पूछे जाएंगे तो सबसे पहले नेक्स्ट वाटर चॉप फ्लाई स्काई विंग्स इनको यूज़ करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं बर्ड्स के ऊपर सो so, आप लिख सकते हैं बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स बर्ड्स मेक नेस्ट टू लिव इन बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई एंड ऑल इस तरीके के कुछ क्वेश्चन ओके नेक्स्ट इज हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग डेफिनेटली नहीं आने वाली है वैसे आपके एग्जाम्स में आती है कि आपको uh, इनको कर्सिव राइटिंग में सुंदर राइटिंग में लिखना होता है फाइव मार्क का क्वेश्चन होता है अच्छा इस क्वेश्चन पेपर में उन्होंने एक चीज छोड़ दिया दैट वॉज स्पेलिंग स्पेलिंग नहीं दी हुई आपके एग्जाम में स्पेलिंग्स भी आती है फाइव मार्क्स की आपको कुछ स्पेलिंग्स दी जाएंगी उनको करेक्ट करके लिखना होगा या फिर आपको तीन चार वर्ड्स दिए जाएंगे आपको उनको बताना उनमें से कौन सा सही है तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लें या आपका एक पेपर हो गया मैंने दिखा दिया पेपर कैसा आता है आपका ऑनलाइन पेपर भी ऐसा ही आएगा कुछ कुछ बस डिफरेंस इतना होगा कि वहाँ पर आपको चार आंसर्स दिए जाएंगे उनमें से कौन सा आंसर सही है आपको चूज करना लिखना नहीं है दैट इज दी ओनली डिफरेंस अगेन मैं फिर से एक वीडियो बनाने वाली हूँ आपकी जिसमें आपके सारे चैप्टर्स की रिविजन होगी और आपको बताया जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये हमने अभी लास्ट ईयर का एक पेपर देखा है ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग